नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत, बीडीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। कल का बच्चा था इनका, नौमा नाम है बच्चे का। मेरी बहन की शादी होके 4 साल हो गया और इनको 3 साल का एक लड़का था। आज सुबह में हम लोग को कॉल आया कि इनके देवरानी यानी इनके देवर की बीवी छोटी देवरानी, इनकी आयशा नाम है वो बच्ची का, तो वो हमेशा से वो शादी हुए, जब से उसकी शादी होके 1 साल हो रहा और उसको बच्चे नहीं हुए, हमेशा से मेरी बहन के बच्चे के साथ कभी बच्चे को खामोशी में लोज देना, कभी दरवाजे में उंगलियां डाल देना, इन्हों आके कभी हमारे को बोलते थे। तो लेकिन हमारे वहमोगुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा करती थी उन्हें। तो हमेशा हम अब घर है, घर की जगह, चलो कुछ कभी ऐसा हो जाता ना, बल्कि हम हमेशा हमारी बहन को समझाते थे। अब 15 दिन पहले हमारी बहन खुद हमको भी ये बात नहीं बताए, 15 दिन पहले पूरे यानी इलेक्ट्रिक के वायरा उन्होंने खुले रख दिए, बच्चे को शौक हो जाना बल्कि। लेकिन वो उस वक्त बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, लगा देख लिए, बहुत लड़ाई झगड़े हुए और वो बच्ची को उनके घर को भेज दी। और शादी हुए जब से हर थोड़े दिन को ये सुनता कि वो लड़की कभी आके यहाँ घर में उनके लोग उनके भाया माओं जो भी है उनका गलीस जो भी है लोग उनके आते एक्वेरियम फेंक देते, बहुत यानी दंगा फसाद करते, शौहर को मारते, बल्कि हमेशा इनकी सास के ऊपर इल्जाम लगाते, इनके नंदों पर इल्जाम लगाते, लेकिन हमारी बहन तक नहीं आए थे लोग। और हमारी बहन ऐसी भी नहीं है, उन्हें बिल्कुल भोली भाली, खुद उसका यानी एक पैर कमजोर है उन्हें, खुद यानी उसकी जिंदगी में है उन्हें बस। तो अब देखिए उन्होंने जब बताए 15 दिन पहले, हम लोगों को भी नहीं मालूम ये बात। आज सुबह हमारे को कॉल आया, ऊपर लेके गई, बच्चा टॉयलेट करा, हमारी बहन उसको वॉशरूम ले जाके वॉशरूम में साफ करके खाली अभी बाहर बच्चे को भेजे, वो जो पॉटी कर लिया तो शलवार धो रहे थे बहन हमारी, और बहन बोले कि मैं शलवार धो रही हूँ तुम अंदर जाओ बेटी। तो बच्चा देखिए मासूम बच्चा, कैसी बेरहम औरत है वो, बच्चा बोला करते मैं दादी को सलाम करके आता हूँ मम्मी बोल के, ऐसा अभी नंगा बच्चा है। और वो ले ली वो औरत, ले लेके जिप से भी ऊपर भाग गई खत्म। इन्हों अभी बच्चे का शलवार ही धो रहे हमाम में, लेके ऊपर भागी और ऊपर से नीचे फेंक दी, उसके चश्मे दी दवा भी है, लोग बच्चे को ऐसा लटका लेते फेंकी बोल के लोग। अब वो लोग डरे हुए हैं महिले वाले, तो थोड़ा हमारे सामने तो बोल दिए, शायद आपके सामने बोलते नहीं बोलते, कोई नहीं बोल रहे, हाँ नहीं बोलते। देखिए हर किसी को अपना, बच्चे को उठा के लेके जा रहे हैं तो देखे ना, बच्चे को उठा के लेके जा रहे हैं, सुने जब गिरा रहे थे ना बच्चे को, वो लोग देखे चश्मा दी अभी आके हमारे सामने बोले, ऐसा हिला रहे थे बच्चे को बोल के, और उन्हें खुद कबूल ली, अब तो कोई 4 इंच नहीं है, वो औरत खुद कबूल ली। और हमेशा से उन्हें बच्चे के साथ छोटा मोटा करती थी हमेशा, इतना 3 साल अब मार्च हुआ तो 3 साल कम्प्लीट होके 4th ईयर स्टार्ट होता उसको माशाल्लाह से, इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, कोई आंख ऐसी नहीं होगी जिसकी आंख से आंसू नहीं निकला अगर वो बच्चे को। बच्चे का नाम क्या है? नौमा नाम है बच्चे का। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? देखिए वो औरत को, मेरे को तो अल्लाह की जात पे भरोसा है, अल्लाह ताला मेरी माजूर बहन को औलाद की नेमत से नवाजा और इंशाल्लाह अल्लाह उसको फिर देगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको ऐसी जिल्लत देगा, ऐसा दुनिया देखेंगी उसको। लेकिन आज जो इंसान है, इंसानियत से मैं ये मुतालिबा कर रही हूँ कि उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलना कि लड़कियां ऐसे लरस जाना। देखिए मेरे ससुराल है, हम खुद भी ये चाहते कि बच्ची जिंदगी अच्छे से गुजार लेना। हाँ हम कभी पूछिए उनके साथ से, आप यहाँ पर रह के कभी हम 4-5 सालों में कभी हम आके उनके साथ से बड़ी आवाज से बात नहीं करें, क्योंकि हम समझते भाई बच्ची को नानना है वह घर में बल्कि। आयशा के ऊपर अभी जो गिरा है उनके ऊपर केस बुक हो गया, केस वो हाँ पुलिस तो आके लेके गई उनको। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि देखिए 15 दिन पहले जब वो इतना बड़ा केस करी तो उसको जब कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं। दूसरे नवासी छोटी लड़की का फोन आया, बच्चे को वॉशरूम के लिए लेकर गए, बहू मेरी लेकर गए, फिर आने के बाद तो रूम में चले जाओ। आपकी बहू जो बोल रहे हैं, माँ का नाम बोलो पहले आप, क्योंकि वो बहुत समझेंगे। अस्मा का लड़का है ये। तो देखे जाके वॉशरूम में धुलाने के बाद उन्होंने रूम में चले गए, वो बच्चे को जो है दूसरे रूम मेरे नवासा लेकर थे वो देख रहे थे, उन्होंने ऊपर लेकर जाते ऐसा कभी नहीं, ऊपर लेकर जैसे देखे बस खत्म। उसके बाद से दूसरे यहाँ से नीचे से लोग भागते रहे जी। देखे वालों का नाम क्या है? आयशा। दुश्मनी
दुश्मनी वगैरह देखेंगे उनको ऐसा ही छुआ लगती है ना औलाद की पागल हो जा रही है। मैं इतनी बदनाम करी थी मैंने शादी होगा मैं से लड़ी थी मेरी सास बोल रही कि जो है मेरे को औलाद नहीं होती तीन महीने में नहीं होती शुदा है मेरे लड़के है ना दूसरी शादी करती होती मैं तो मेरे से झूठे इल्जाम लगाई जब उस वक्त भी लड़ी थी उनके लोग आके तस्वीर कराए बातचीत कराए फिर दवा हमने जाके बोली कि मेरे साल तीन साल होगा शादी होकर मेरे को बच्चे नहीं हो रहे वहाँ से दवा लाई फिर और एक पर्स में दवा खाने में जाके बोली कि डॉक्टर ने कहा कि जो है मेरे को ससुराल वाले बहुत टार्चर करते छोड़ते नहीं मेरे को अब इसी वक्त मेरे को दवाएँ दे दो कम्प्लीट मेरे को बच्चे होने के लिए बहुत टार्चर करते हुए तो डॉक्टर बोले गए थे ऐसा कर रहे तो मेरे को बोलो हम पुलिस को बुला के उन्होंने अरेस्ट करा दें बोलते ऐसा बोले हाँ ये अपने बच्चे का दवा कम है क्या है वो अब अल्लाह हुआ आलम हूँ इसकी इतनी नसीहत करती हूँ देखो अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह देने वाला है औलाद कोई डॉक्टर नहीं देता और कितने साल हुआ शादी होती मेरी दूसरे भाव को चार अब पाँचों साल ही हुआ लगता हूँ वो बच्ची कभी कुछ नहीं बोली इतना अच्छा दोनों भी रहते अच्छा उन्होंने भी था एक ही बच्चा था मेरा वो बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत जिंदगी दे उसको जिंदगी दे कुछ भी लड़ाया नहीं झगड़े नहीं कुछ भी नहीं कि मेरे आँखें भी लड़ाया झगड़े करके जाते हैं हम लोग बच्चे को हमारे बच्चे को मारा साला आप कहाँ थे वहाँ जरा एक वीडियो ले लेते जरा ले लो सही इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS News। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।